रामनगरी अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए भारत लाया जाए। दरअसल पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों की कड़ी में एक बार फिर से दो हिंदू महिलाओं पर हमला किया गया। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने बताया कि पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जब से देश का बंटवारा हुआ है पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। 95% हिंदू पाकिस्तान में मार दिए गए, जो कुछ बचे हैं वो भी धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। पाकिस्तान में निरंतर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब से देश बटा है तब से निरंतर वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं की हत्याएं, हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप, ये आए दिन हो रहा है। 95% हिंदू पाकिस्तान में मार दिए गए, उनकी हत्या हो गई। जो 5% बचे हैं वो भी जो है धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। अभी दो अल्पसंख्यक जो है तो महिलाओं के साथ में जो है तो जानलेवा हमला हुआ। और निरंतर ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हत्या ना हो। उसको लेकर के आज जो है मैंने पाकिस्तान का जो है इमरान खान पाक प्राइम मिनिस्टर का हमने पोस्टर जलाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि पाकिस्तान में रह रहे जितने हिंदू हैं उनको भारत में ले आया जाए और उनको नागरिकता दी जाए, और भारत में जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा जाए। क्योंकि देश का बंटवारा जब हुआ तो वह केवल जो है कुछ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि भारत में रह रहे सभी मुसलमानों के लिए हुआ था। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम देश घोषित हो गया तो भारत में रह रहे प्रत्येक मुसलमान का अधिकार बांग्लादेश और पाकिस्तान में है।